यूरोप महाद्वीप के नीदरलैंड से एक रितेश जी हैं, उनका प्रश्न है। वे कह रहे हैं कि जिनके पिता नास्तिक आदि हों, वृद्ध हों, या कोई करने में असमर्थ हों, या नहीं करना चाहते हों श्राद्ध आदि, तो उनके पुत्र श्राद्ध कर सकते हैं। किसी का पिता श्राद्ध नहीं करना चाहता या वे नहीं करते हैं तो पुत्र श्राद्ध कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न है। देखिए, बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, इसको गंभीर दृष्टि से देखिए। किसी के पिता सन्यासी हो गए हैं, महात्मा हो गए, वैरागी, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। किसी के पिता कोई जेल में बंद है, कारागार में बंद है, तो उनके पुत्रादि श्राद्ध कर सकते हैं। कोई बीमार है अथवा कोई अतिवृद्ध होने के कारण असमर्थ है, तथा कोई नास्तिक है, किसी के पिता जो विश्वास नहीं करते श्राद्ध आदि में, आर्य समाजी या किसी और समाजी में पड़ गया है, तो ये जो है श्राद्ध में विश्वास नहीं कर रहा है, नास्तिक बन गया है, तो क्या ये लोग उनके पुत्र आदि श्राद्ध कर सकते हैं? इस पर शास्त्रों में विमर्श है। देखिए, कह रहे हैं कि वृद्धौ तीर्थे च सन्यस्ते ताते च पतिते सति एभ्य एव पिता दद्यात् तेभ्यो दद्यात् स्वयं सुतः। ये शास्त्रों का वचन है। यद्यपि ये वचन केवल नांदी श्राद्ध से संबंधित स्थलों पर प्राप्त होता है, परंतु पूज्य गुरुदेव ने इसको देख करके और भी अन्यत्र समस्त पद्धति को तथा इस समस्या को देख करके तो बतलाया है कि शास्त्रों में ऐसा है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति पर यही विधान अतिदेश अतिदृष्ट होगा और अन्यत्र भी लागू होगा। अन्य धर्मस्य अन्यारोपणम अतिदेशः, अतिदेश की परिभाषा है। तो ये समस्त श्राद्धों में ये बात लागू होगी। क्या? देखिए, वृद्धौ, यदि किसी के पिता वृद्ध हैं, तीर्थे च, अथवा वो लंबी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और यहाँ श्राद्ध का समय उपस्थित है, सन्यस्ते या सन्यासी हो गए हैं, ताते च पतिते सति, अथवा पतित हो गए हैं, या कोई और भी कारण मैंने ऊपर गिनाए थे, और भी कई कारण हैं, तो ऐसी अवस्था में समर्थ पुत्र ही पिता का या ये अन्य लोगों का श्राद्ध करे। ये जो है एभ्य एव पिता दद्यात् तेभ्यो दद्यात् स्वयं सुतः। तो पुत्र किसका श्राद्ध करेगा? जिनको पिता श्राद्ध करते उनको श्राद्ध करेगा। पिता तो जीवित ही है, तो पिता जिनके लिए देते, अर्थात पिता के पिता, पिता के दादा, पिता के परदादा, और पिता की माँ, पिता की जो है परमा, और पिता की वृद्ध परमा, इसी तरीके से पिता के नाना, अपने नाना के लिए नहीं करेगा, भले ही नहीं है तब भी, पिता के नाना और पिता के परनाना, अपने के लिए अलग करेगा अलग समय पर। इस तरीके से एभ्य एव पिता दद्यात् तेभ्यो दद्यात् स्वयं सुतः, जिनके लिए पिता श्राद्ध करते उन्हीं के लिए वो पुत्र श्राद्ध करे। ये जो है शास्त्र में विधि है। तो ये यहां जो श्राद्ध है, जब श्राद्ध बोलेगा तो उसमें मम पितु, मेरे पिता के, ये समस्त श्राद्धों के वाक्यों में ये जोड़ेगा वो, कि मम पितु यानी मेरे पिता के, मम पितु पिता, मम पितु माता, मम पितु माता मह, मम पितु माता मही आदि ऐसे शब्दों को बोल करके वो श्राद्ध करे। देखिए, आचार्य विष्णु का भी वचन है कि पितर जीवति या श्राद्धम कुर्यात् सह येषां पिता कुर्यात् तेभ्य एव कुर्यात् पितर पितामहे च येषां पितामह। कह रहा है पितर जीवति, पिता के जीवित होने पर जो श्राद्ध करता है या श्राद्धम कुर्यात् सह येषां पिता कुर्यात् तेभ्य एव कुर्यात्, जिनके लिए उनके पिता करते हैं उन्हीं के लिए वो श्राद्ध करेगा। जैसे पितर पितामह है ना, पिता में और पितामह में वो एषम पितामह,
जिनका जो है वो पितामह है, यो अर्थात वो जिनके पिता के जो पिता पिता पितामह प्रपितामह आदि उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। तो इस दृष्टि से ये बात सिद्ध है, वर्तमान में भी बहुत ही समस्या से ग्रस्त हैं, पिता नहीं करते हैं या उनको अभ्यास नहीं है, तथा किसी को तो श्रद्धा भी है पर कभी किया नहीं, वो करना नहीं चाहते हैं या वो वृद्ध हैं। तो ऐसी अवस्था में पुत्र को तर्पण तथा पिंडदान आदि करने का पूर्ण अधिकार है। ये शास्त्र और आचार्यों की परंपरा से बात बिल्कुल सिद्ध है। हर हर महादेव।